आज देखिए कर्नाटक जैसे राज्य में हमारी सरकार यहां पर आई तो तेजी से विकास होने लगा। आज जहां जहां डबल इंजन की सरकारें है, ऊपर मोदी जी का इंजन और नीचे राज्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री का इंजन, वो सरकारें बहुत तेजी से काम कर रही है। और जहां यह डबल इंजन नहीं है वहां की सरकारें मोदी जी की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने देती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये योजना पहुंच गई तो मोदी जी को और प्रसिद्धि मिलेगी, लोग और मोदी जी के पीछे जाएंगे। अब उन नादानों को पता ही नहीं है कि आप योजनाएं पहुंचने दो या न दो, लोग तो मोदी जी के साथ है ही। और मोदी जी ने ऐसी भी व्यवस्था तैयार की है कि आपने नहीं पहुंचने दी तो सीधी योजना लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन ये जो तेजी से जाने वाली हमारी रेलगाड़ी है, इसको रोकने का काम उन राज्यों में होता है जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती। आपने देखा 2018 में कर्नाटक में कुछ सीटें कम आ गई, 105 106 सीटें आ गई, तो कुछ सीटें कम पड़ गई, तो कुछ समय तक कर्नाटक में एक सर्कस चल रही थी। सिद्धरमैया जी और फिर कुमार स्वामी जी ये मिलकर एक सर्कस तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सर्कस ज्यादा समय तक चल नहीं पाई। एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वापिस यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई और हमारे येदियुरप्पा जी ये मुख्यमंत्री बने। और जैसे ही येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने, तेजी के साथ विकास की हमारी गाड़ी दौड़ने लगी। बाद में येदियुरप्पा जी ने कहा कि मेरी उम्र के कारण नया मुख्यमंत्री बनाइए, तो बसवराज बोम्मई जी बने। गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी की रफ्तार और तेजी के साथ चलने लगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो विकास की गाड़ी है ये नए भारत की गाड़ी है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस आपको पता है, वंदे भारत एक्सप्रेस ये भारत में तैयार हुई ट्रेन है जो दुनिया की किसी भी ट्रेन से अच्छी ट्रेन है और जो 140 से लेकर 220 की स्पीड से भागती है। तो ये जो मोदी जी की गाड़ी है ये वंदे भारत ट्रेन है, इसमें एक मोदी जी का इंजिन है, दूसरा बोम्मई जी का इंजिन है। अब उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर क्रांति किरण जी की और महेश जी की बोगी भी तो साथ में लगनी चाहिए। ये बोगी अगर उस इंजन के साथ लग गई तो ये बोगिया भी उतनी ही तेजी से बंगलुरु की ओर जाएगी, तो हमारा विकास भी उसी तेजी के साथ होगा। और समझ लीजिए उसकी जगह कांग्रेस की बोगी लग गई तो इंजन जाएगा बेंगलुरु और बोगी जाएगी हैदराबाद, तो कोई विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए डबल इंजन जहां, बोगी भी वहां।